नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गज़ल यह कविता। यह लिखित है मानिक वर्मा जी द्वारा। आज हम इसका भावार्थ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं गज़ल क्या होती है। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था में पढ़े जाने की याद नहीं रहती। गज़ल में नीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश करने के लिए मान्यता देने का भाव प्रमुख है। कविता का कोई शीर्षक नहीं होता। अब यहाँ गज़ल का मतलब होता है एक ऐसी विधा जिसके हर कपलेट, जिसमें हर दो दो लाइन का एक छंद होता है, और हर उस दो लाइन के छंद का यह मतलब होता है कि वह छंद अपने आप में पूर्ण है। अगर एक कविता में 10 छंद है तो हर छंद का मतलब अलग होता है। उनका आपस में कोई भी संबंध नहीं होता। दो दो छंद जो होते हैं वो अपने आप में पूर्ण मतलब हमें देते हैं। हर छंद एक दूसरे से अलग हो सकता है, इसीलिए इसका कोई शीर्षक नहीं होता है। अब जान लेते हैं लेखक के बारे में। परिचय। जन्म 1938 उज्जैन, मध्य प्रदेश। हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर मानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत प्रेरणादायी होती है। पद्य संबंधी। प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन के निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने की बजाय हमें अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। अब पहला छंद। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। इसमें दो नए शब्द आए हैं, स्वर्णिम यानी सोना और नींव यानी बुनियाद, जिसे हम बेसमेंट भी कहते हैं। इन पंक्तियों में कवि हमसे कहना चाहता है कि हर कोई स्वर्णिम शिखर पर पहुंचना चाहता है, मान सम्मान पाना चाहता है, परंतु यदि वास्तव में देखा जाए तो इनसे अधिक महत्व उसकी ईंटों और पत्थरों का है जिस पर वो बनी हैं, जिसकी नींव पर शिखर बनते हैं। इसलिए हमें प्रशंसा का लोभ त्याग कर नींव की तरह, ईंट और पत्थरों की तरह कुछ अच्छा और मजबूत करना आवश्यक है। अगर हमारी नींव पक्की होगी तो हम स्वर्णिम शिखर तक पहुँच सकते हैं, और यदि नींव हमारी पक्की नहीं हुई तो हम शिखर पर पहुँचने पर भी हार सकते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि यदि बनना है तो नींव की तरह मजबूत बनो। अब ये चीज़ हम एक पेड़ से और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि एक पेड़ है, जितना वो ऊपर भरा पूरा दिखता है उतना ही उससे कई ज़्यादा गुना वो अपनी जड़ों को अंदर पकड़े हुए होता है, और जितना उसकी जड़ें मजबूत होती है उसका जो उतना ही वो ऊपर और ज़्यादा फैलता है, और उसकी जो आयु है वो भी ज़्यादा लंबी होती है। इसीलिए नींव को महत्व दिया गया है। यह पहले छंद का भावार्थ लिखा है। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो नींव का पत्थर दिखो। अब इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि जिस तरह से धरती पर आंधी आने से ज़मीन पर की धूल भी आसमानों को छू लेती है, उसी प्रकार अभी मनुष्य भी अच्छे कर्मों द्वारा आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। और यदि तुम्हें बीच में अगर ठहरना भी है तो इस तरह से ठहरो जैसे मील का पत्थर होता है जो रास्ते पर गुजरने वाले हर पथिक की मदद करता है, और वही मील का पत्थर एक इंसान को उसकी मंजिल की ओर बढ़ाता जाता है। इस चित्र में देखिए किस तरह से जो रास्ते की धूल है वो भी पूरी तूफान के साथ आसमानों तक उड़ी जा रही है। यहाँ मैंने दूसरे छंद का भावार्थ लिखा है। आइए अब तीसरा छंद पढ़ते हैं। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। अब इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि मानव जीवन में
केवल बाहरी खूबसूरती को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि खूबसूरती तो मन की होती है। हम शरीर को कितना भी सजा ले सवार ले, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, बल्कि हमें अपने मन को खूबसूरत बनाना चाहिए। हमें समाज के प्रति, लोगों के प्रति दिल में इंसानियत होनी चाहिए, तभी हम सच्चे इंसान कहला सकेंगे, और यही इंसान की सच्ची प्रतिष्ठा भी होती है। यहाँ मैंने इस छंद का भावार्थ लिखा है, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट के बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बन कर दिखो। अब इन कविताओं की पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि हमें अपनी सीरत को आईने की तरह बनाना चाहिए, जो हर पल केवल सच को दिखाती है, किसी भी तरह के झूठ या फरेब को नहीं दिखाती है। समाज में कई लोग मुंह में राम और बगल में छुरी लिए घूमते हैं, जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिनके मन में चोर होता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें इस पत्थरों के समाज में एक इंसान की तरह बनना है, जो औरों के दुख को समझे, औरों की तकलीफ़ को समझे। अगर वह व्यक्ति खुद टूट भी जाता है तो वह किसी और को ना टूटने दे। जिस तरह वह खुद को संभालता है, उसी तरह वह औरों को भी संभाले, अपनी सच्चाई से संभाले। जैसे शीशा भले ही टूट जाता है, लेकिन उसके हर टुकड़े में हमें अपना पूर्ण रूप दिखाई देता है। आईना टूटने से उसमें की परछाई कभी नहीं टूटती। यह मैंने इस छंद का पूर्ण भावार्थ दिया है। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सजल कर मोम के भीतर दिखो। अब इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति होनी चाहिए। औरों का दुख देखकर अगर हमारा दिल नहीं पिघलता तो हम में इंसानियत कैसे हो सकती है। इसलिए हमें मोमबत्ती की तरह होना चाहिए, जिसमें जलता तो केवल धागा है, लेकिन उसके साथ मोम यानी कि वैक्स भी पिघलती है, क्योंकि वो एक दूसरे की तकलीफ़ को बाँट लेते हैं, और इसी तरह इंसान को भी औरों के दुख बांटकर उनका हमदर्द बनना चाहिए। यह मैंने इस छंद का भावार्थ लिखा है। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। अर्थात इन कवि कहते हैं कि जब भी निराशा और असफलता का अंधकार छा जाता है, व्यक्ति निराश हो जाता है और धीरे धीरे अपने आप को अकेलेपन और हताशा से भर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से महाराणा प्रताप ने अपनी ज़िंदगी में जब सब हार गए थे और जंगलों में भटक रहे थे, उस समय एक नन्ही चींटी को देखकर उनमें एक नई उम्मीद जगी, जो बार बार अपने मुंह में दाना लेकर चढ़ती है, लेकिन वह कई बार असफल रहती है। लेकिन एक समय वह उस दीवार पर चढ़ जाती है। उसके बाद राणा प्रताप ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जो पूरे इतिहास में सुवर्ण अक्षरों में लिखी जाती है। उसी तरह हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हर कठिनाई का सामना करना चाहिए, और जुगनू की तरह हमें खुद हिम्मत रखकर अन्य हताश और निराश लोगों के मन में भी एक उम्मीद की किरण जगानी चाहिए। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारे समाज में हर एक व्यक्ति की एक सीमा ठहराई हुई है। जब कोई उस सीमा को पार करता है तो उसका क्या परिणाम होता है, यह हम इतिहास से और हमारे महाकाव्य से समझते हैं, और इन सीमाओं का पालन करने से ही हमारा व्यक्तित्व निखर जाता है। एक विद्यार्थी जीवन में ऐसा समय अवश्य आता है जब वह बाहरी आकर्षणों की तरफ आकर्षित होता है, यह संयम की आवश्यकता होती है। जो विद्यार्थी इन क्षणिक आकर्षणों को अपना लेता है, वह उसके परिणाम भी भुगतता है, और जो विद्यार्थी इन सब बातों से दूर रहकर केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है,
वह अपने भविष्य में सबके सम्मान का पात्र तो बनता ही बनता है। हर कोई उसे अपना आदर्श मानता है और उसकी तरह बनना चाहता है। यहाँ कवि मोती के सीप का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस तरह एक रेत का दाना मोती बनने के लिए सालों तक सीप की मर्यादा में रहता है, क्योंकि अगर वह सीप के बाहर आ जाएगा तो कभी मोती नहीं बन पाएगा। इसलिए वह सीप में रहकर ही अपने भविष्य रूप का निर्माण करता है। यह विस्तार से भावार्थ दिया गया है, आप इसे पॉज करके भी पढ़ सकते हो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। अब यह देखिए, यह मैंने कली, फूल और तितली इन्हें चित्रों के द्वारा प्रस्तुत किया है। ये देखिए, ये है तितली बनने का क्रम। एक कली जो फूल बनने से डर रही है, वह सोचती है कि फूल बनने पर मेरा भविष्य क्या होगा। तो कवि कहते हैं कि हमें हमारे भविष्य के लिए एक निर्णय लेना ही पड़ता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इसी पर हमारी निर्णय क्षमता का विकास होता है। ये ऐसा समय होता है जब एक कली अपने बदलाव से डरती है, लेकिन यह उसके जीवन का बदलाव का क्षण है। यदि इस समय वह निर्णय ले लेती है तो वह एक सुवर्ण भविष्य की नींव रखती है। इसीलिए कभी यहाँ एक तितली का उदाहरण देते हुए कहते हैं, जिस तरह एक तितली को तितली बनने के लिए कई कठिन परिस्थितियों में से जाना पड़ता है, उसके शरीर में कई बदलाव होते हैं, वैसे ही और जब इन बदलाव के बाद वह एक सुंदर तितली का रूप लेती है तो हर कोई उससे आकर्षित होता है। भले ही तितली का जीवन बहुत छोटा है, फूल की तरह ही वो बहुत छोटा जीवन रखती है, लेकिन वह हर एक को कितनी प्रसन्नता देती है। और वह जब नष्ट हो जाती है, उस समय उसके टूटे हुए पंख भी इंसान को कितने आकर्षित करते हैं। इसलिए भले ही अंत टूट जाना है, बिखर जाना है, मर जाना है, लेकिन इससे न डरकर हम अपने सुंदर जीवन में सही का चयन करें। डरकर कोई भी गलत निर्णय ना ले, और हमारा इसी से निर्णय क्षमता का विकास भी होता है, जो भविष्य की नींव रखता है। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, जिसे देखे उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। यहाँ कवि कहता है कि यह संसार मनुष्यों से भरा है, मनुष्य में प्रेम भाव है, लेकिन कभी कभी यह प्रेम भाव नदारद हो जाता है। मनुष्य अपने स्वार्थ कर्मों के कारण औरों को तकलीफ देता है और ऐसे में उसे आसुरी आनंद मिलता है। यह सब देखकर कवि बहुत उदास होता है। इसलिए कवि कहता है कि हे ईश्वर, इस मनुष्य रूपी देह में ऐसे मन का सृजन करो, निर्माण करो, किसी और का दुख देख कर खुद का दिल पिघल जाए। और कवि कहता है कि हे प्रभु, इस समाज में इतना प्रेम भाईचारा भर दो कि जहाँ भी देखो मुझे हर मनुष्य में मेरा ईश्वर नजर आए। हमें कविता से क्या सीख मिलती है? कवि हमें स्वाभिमान, संयम, ईमानदारी, परोपकार, सच्चाई, निर्णय क्षमता, भविष्य के लिए सही का चुनाव, मनुष्य के बीच प्रेम भाव, भाईचारा और हमदर्दी की भावना का निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।